Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाउ स्किन साइंस आर्गन ऑयल फोमिंग फेस वॉश का फुल रिव्यू. मैंने कुछ दिनों से इस फेस वॉश को इस्तेमाल किया है एंड देन ऑनली आई एम शेयरिंग दिस रिव्यू. और मुझे काफी कुछ बताना है इस फेस वॉश के बारे में जो कि आप सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस फेस वॉश को खरीदने से पहले. कौन से स्किन टाइप के लिए ये फेस वॉश अच्छा वर्क करेगा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, आपको थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के बारे में. इसमें क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, अगर है तो कितना परसेंटेज है, इसमें क्या कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स है. तो एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑलरेडी तो विंटर सीजन में और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है एंड फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं. बहुत ही ज्यादा डल लगने लगता है और ग्लो भी चला जाता है. बट रेगुलर बेसिस पर हमें एक CTM रूटीन तो फॉलो करना ही पड़ेगा. तो उसके लिए हमें फेस वॉश इस्तेमाल करना जरूरी है. बट फेस वॉश के बाद क्या हो जाता है, हमारी स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है. आई कैन अंडरस्टैंड टोटली बिकॉज माई स्किन इज ऑल्सो वेरी ड्राई. दैट्स वाई आई थॉट कि चलो इसको विंटर सीजन में ही ट्राई करते हैं तो अच्छा पता चलेगा कि क्या ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है. क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है कि दिस फेस वॉश इज फॉर ड्राई नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. तो इसी वजह से आई थॉट कि विंटर सीजन एक अच्छा टाइम होगा इसको टेस्ट करने के लिए. फेस वॉश करने के बाद विंटर सीजन में ज्यादातर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है. बट मैंने इस फेस वॉश को इस्तेमाल किया है एंड मैं नाइट टाइम एंड डे टाइम बोथ टाइम मतलब टू टाइम्स अ डे मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ एंड मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता. एट द सेम टाइम ये स्किन को ना अच्छे से डीपली क्लीन करता है और ये फोमिंग फेस वॉश है. दैट्स वाई जो फॉर्म्यूला है वो मुझे काफी पसंद भी आता है. एंड ये जो पैकेजिंग है ना, ये नया पैकेजिंग है विच इज रियली यूजर फ्रेंडली ऑल्सो. और मैन वुमेन एवरीवन कैन यूज दिस फेस वॉश एंड मुझे तो ये काफी अच्छा लगा इसका फॉर्म्यूला. मतलब स्किन को ड्राई नहीं बनाता. सो दैट्स परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो, फॉर नॉर्मल स्किन ऑल्सो एंड कॉम्बिनेशन स्किन ऑल्सो. और ये ऐसा भी नहीं है कि स्किन को बहुत ही ज्यादा ऑयली बना देता है, ऐसा भी नहीं है. सो द कंसिस्टेंसी एंड द फॉर्म्यूला इज जस्ट परफेक्ट. सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ऑथेंटिसिटी. अब देखिए यहाँ पर एक व्हाइट कलर का स्टिकर आपको दिखेगा. सो दिस इज एक्चुअली QR कोड. आप किसी भी QR स्कैनर से अगर इसको स्कैन करेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट के ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चलेगी. मैंने भी इसे स्कैन किया था एंड ऑन एवरी स्कैन यू कैन गेट पॉइंट्स टू रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज. सो दैट्स ऑसम. नेक्स्ट इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं. इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, वेजिटेबल डिराइव्ड ग्लिसरीन, आर्गन ऑयल. नाउ दीज इंग्रेडिएंट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन क्योंकि आर्गन ऑयल हमारी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में ही है ये. और एलोवेरा हम सबको पता है एलोवेरा इज वेरी सूदिंग फॉर आवर स्किन, स्पेशली विंटर सीजन हो या समर सीजन हो. एलोवेरा एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो काफी अच्छे से स्किन को क्लीन भी करता है एट द सेम टाइम नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है. सो पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है. अगर ये खत्म हो जाए तो आप इसमें रिफिल भी कर सकते हैं. बट यू नो वन थिंग कि वाउ स्किन साइंस के जो भी पैकेजिंग होते हैं वो 30% पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल पैकेजेस से बना होता है. सो और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रुएल्टी फ्री है. मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट एनिमल डिराइव नहीं होता है.
और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दैट इज कि जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं सारे ही प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसी बातें तो सभी बोल देते हैं कि हाँ इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कितना परसेंटेज में नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इस आर्गन ऑयल फोमिंग फेस वॉश जो 100 ml का कंटेनर है, इसमें 98.90% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। सो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि ये सेफ है आपकी स्किन में यूज करने के लिए, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्किन में सेफ ही होगा। कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, कोई आर्टिफिशियल कलर भी इसमें एडेड नहीं है। ऑल्सो द प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया, जो मेरे लिए काफी मैटर करता है आज की डेट में। इनफैक्ट जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें है सारे ही ऑल ओवर इंडिया से सोर्स किए जाते हैं। जो वाटर इस्तेमाल किया जाता है वो हिमालयन स्ट्रीम्स से, और इनके जो वर्कफोर्स है उनमें से 80% ऑफ देम आर वुमेन। और हाँ, मैंने इस फेस वॉश को या सारे ही वाउ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स को मैं उनके ऐप से जाकर परचेज करती हूँ। आप उनके ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड ऐप से परचेज करना बहुत ही ज्यादा इजी एंड हैसल फ्री लगता है मुझे, क्योंकि ऐप में अलग अलग से कैटेगरीज है लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो किट्स, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बिकम्स इजियर। जस्ट एड देम टू कार्ट एंड प्लेस द ऑर्डर, दैट्स इट। और ऐप से परचेज करने पर आपको अलग से डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलते हैं, सो विच इज ग्रेट। सो ऐप डाउनलोडिंग जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, एंड प्रोडक्ट परचेजिंग जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।